ए लड़कियां बिना टिकट के हमने ट्रैवल किया और हम आए हैं। क्या है पेरिस में दो दो आईफिल टावर है क्या? जिन्हें सुसाइड कमिट किया हो तो उसके वजह से भी 3 घंटे के आसपास ट्रेन डिले हो जाती है। गाइस नाला से भरा वाला फीलिंग आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर किंग के लिए था, किंग का नाम था लुई। ये जो बेडरूम है ये किंग का बेडरूम नहीं है। दैया आरुष भैया सब पुलिस वाले रिटर्न आ गए। मम्मी मानती नहीं है ना बिना खिलाए। तो इन टोटल हमें अराउंड 7 to 8 आईफिल टावर लेने हैं। तो गाइस फटाफट हमको जल्दी 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 लेट हो जाएगा जल्दी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा day 9 और आज के दिन हमारा बुकिंग है। वर्साइल पैलेस का टूर हम करने जा रहे हैं, ओके। और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पैलेस है। मैंने भी उसके बारे में सिर्फ सुना है बट देखा नहीं है। तो वहां जाने के लिए मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और आपसे मिलती हूँ और हम निकलते हैं। चलो, तो मैं रेडी हो गई हूँ और कल हमने जो डाइसन लिया था उससे मैं अपने बाल करूंगी कर्ल्स। Talking to me with your eyes, I get a hint of the perfume that I like. हम निकल गए हैं और हमने एक मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन पकड़ा था। दूसरे मेट्रो स्टेशन से हमें ट्रेन चेंज करना था तो अभी हम सेकंड वाली ट्रेन पे पहुंचे। Alibi, midnight, my heart out. हम लोग पहले वाले मेट्रो स्टेशन पे गए, फिर वहाँ से हम 3 स्टॉप के बाद उतरे। फिर अभी हम दूसरी मेट्रो ट्रेन में चढ़े, अभी हमें फिर से 3 स्टॉप के बाद उतरना है, फिर हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। हम लोग स्टेशन पे टिकट लेने गए थे तो जो टिकट काउंटर पे थे उनसे हमने बोला तो उन्होंने बोला तो गो फ्रॉम हियर। उन्होंने टिकट ही नहीं लेने बोला, वो जब के टिकट काउंटर पे थे उन्होंने हमें बोला ही नहीं टिकट लेने। हम फ्री में बिना टिकट के हमने ट्रैवल किया और हम आए हैं। आई थिंक यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि 12 बजे तक मे भी शायद टिकट नहीं लेते, पता नहीं मुझे, बट उन्होंने हमसे टिकट नहीं लिया। तो गाइस हम लोग इतना दूर आया, अचानक से देखा ऐसा आईफिल टावर दिख रहा है, टेंशन में आ गया है। पेरिस में दो दो आईफिल टावर है क्या? शायद ये वही वाला है अलग साइड से। गाइस आईफिल टावर दिख रहा है यहाँ से, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस हमारे से इतना बड़ा स्कैम हो गया, जहाँ से हम आए थे तो घुमा के लाया, हमारा घर सामने दिख रहा है। अब क्या बोले, मतलब 8-10 स्टॉप क्या मालूम क्या है यहाँ का, कैसा लोकेशन है। तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स है, जो हमारा ग्रुप है और वो हमारी गाइड है। पुलिस की गाड़ी या लड़की चला रही है, नेता की लड़की होगी। तो सिमरन एंड में कुछ लेने गए और यहाँ पे हमारी ग्रुप आगे बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही, आ ही नहीं रहे, समझ नहीं जा रहा है ये लोग रह जाएंगे लगता है यहाँ पे। तो वो लोग खाने के लिए सामान लेके आ गए हैं। आराम से जल्दी, आराम से जल्दी, कंफ्यूज कर दो ये लोगों को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम आ गए हैं अपने स्टेशन। तो यहाँ की तुम्हारी पूरी गैंग यहाँ पे खड़ी है और यहाँ की ट्रेन कुछ ऐसी होती है जो कि यहाँ की ट्रेन पटरी पे चलती है। गाइस यहाँ की ट्रेन पटरी पे चलती है। हाँ सही है गाइस, गाइस एक चीज नोटिस किया, ट्रेनों की भी पटरी है, मेरी कोई नहीं पटरी है। वो मुस्कान थी इतना ध्यान से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, वो गोरी गोरी आंटी हैं जो सब इन्फॉर्मेशन दे रही है। मुस्कान थी पूरा कलेक्ट करके दिमाग में रख रही है, बाद में आप सबको बताएगी। उन्होंने अभी बताया जो मेट्रो का टाइमिंग है थोड़ा डिले हो गया है और उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी की तबीयत खराब हो, या तो अगर किसी ने सुसाइड कमिट किया हो तो उसके वजह से भी 3 घंटे के आसपास ट्रेन डिले हो जाती है। मेडिकल इमरजेंसी में भी 1-1.5-2 घंटे के लिए ट्रेन डिले हो जाती है। तो वैसा पर ट्रेन तो आ रही है। So, the entrance here, it seems like it's not many people, so you can go, your family can get into this carriage. Okay. Yeah, the last one. तो हम वर्साइल मेट्रो स्टेशन पे उतर गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे पैलेस की तरफ जो कि है 10 मिनट की दूरी पर। गाइस नाला से भरा वाला फीलिंग आ रहा है, धीरे धीरे निकल रहे हैं। यहाँ से हमें 10 मिनट चल के जाना है। Just a couple days, I'm cool to you.
तो उन्होंने हमें ईयरफोन्स भी दिया है ताकि यू पूरे टूर के टाइम पे हम उनको सुन सकें। गाइस यहाँ की भैंस पागल हो गई, आवाज आ रहा है। वो हमें एंट्री के लिए टिकट्स दे रहे हैं, वो सिर्फ हमें एंट्री तक के लिए काम आएगी, उसके बाद हम उस टिकट को फेंक सकते हैं और अंदर गार्डन में जाने के लिए हमको वो न्यू टिकट देंगे, तो सिर्फ इधर तक के लिए टिकट है। तो यहाँ पे चैपल है, चैपल एज इन चर्च, ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं। बताया गया है कि इस चर्च के दो लेवल है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर गेस्ट के लिए था और फर्स्ट फ्लोर किंग के लिए था। किंग का नाम था लुई 15। किंग ने कम से कम 50 साल हुकूमत की है और उनकी इतनी सारी मिस्ट्रेसेस थी, इतने सारे बच्चे थे, ये पैलेस को बिल्ड किया, सब कुछ किया, इतना बिजी होने के बावजूद भी उन्होंने कभी चर्च जाना मिस नहीं किया, वो हमेशा प्रे करते थे। उनको साथ में चर्च में अकम्पनी करते थे म्यूजिशियंस जो उनका फेवरेट म्यूजिक प्ले करते थे, और उनके पर्सनल कंपोजर भी थे जो पर्सनली सिर्फ उनके लिए गाने कंपोज करते थे। सब लोग किंग को बोलते थे कि उनके पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो किंग जब भी पिक्चर क्लिक करते थे हमेशा अपने पैर को शो ऑफ करते हुए क्लिक करते थे। ये जो मार्बल्स लगे हुए हैं, जो कलर्ड मार्बल्स हैं, वो साउथ ऑफ फ्रांस से आते हैं, और जो वाइट मार्बल है वो इटली से आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्बल्स है ये, और सब जगह ऊपर पेंटिंग्स है, ये सारी पेंटिंग्स कुछ ना कुछ स्टोरीज इंडिकेट करती हैं। पैलेस के विंडो से गार्डन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गार्डन है, और गार्डन के हर एक ट्रीज़ को अलग तरीके से शेप किया गया है, सबका डिफरेंट डिफरेंट शेप है। और किंग जब भी गार्डन में जाते थे तो 200 फाउंटेंस जो गार्डन में है उनको स्पार्कल किया जाता था। ये पैलेस का फायर प्लेस है और ऐसे 1000 फायर प्लेसेस है पूरे पैलेस में। ये जो बेडरूम है ये किंग का बेडरूम नहीं है, किंग कभी कभी यहाँ पर सोते थे, जब जब किंग का बेडरूम रेनोवेट होता था तब तब किंग ये बेडरूम यूज़ करते थे। ये जो बेडरूम है ये क्वीन का बेडरूम है, और इस बेडरूम में अराउंड 19 बच्चे पैदा हुए हैं, 9 क्वीन रही हैं इस बेडरूम में, और उनमें से 3 यहाँ पर एक्सपायर हुई हैं। क्वीन का कबर्ड है और उसके बाजू में एक हिडन डोर है टू एस्केप। क्वीन को फ्लावर्स और पिकॉक के फेदर का डिज़ाइन बहुत पसंद था, तो क्वीन ने अपने चॉइस के हिसाब से ये बेडशीट और बैकग्राउंड बनवाया था। ये वो रूम है जहाँ क्वीन के सब फ्रेंड्स आके गैदर होते थे। तो अभी हम आ गए हैं गार्डन वाले सेक्शन पे जो कि बहुत ह्यूज है। हमारे पास टिकट्स है ऑलरेडी, हमारी जो गाइड है वो बहुत आगे चली गई बिकॉज आयान खो गया था। तो यहाँ पे सीमंदी गलती से सबका फोटो अच्छा क्लिक कर लिए, तो सब लोग सीमंदी से क्लिक करवा रहे हैं, और मुस्कान दी यहाँ पे स्टोरी लगाते हैं, और अयान भाई का तबीयत खराब है, उनकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, उनकी गर्लफ्रेंड बोली एक्चुअली ना इनकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, बोलती है तूनों ना आलू मैंने वाला बोलो ना, बोलती मेरे बाबू ने ताना ताया है क्या, मैंने नहीं चिल्ला लेते हाय दैया आरुष भैया कुछ खिलाओ उनको, पूरे पैलेस का टूर हो गया है हमारा, और अभी हम जा रहे हैं पानी के पास बोटिंग करने, तो वहाँ पर शायद उन्होंने बोला हम लोग को खुद से चलाना होगा, तो दूर है काफी, 10 मिनट लगेगा, जाके देखते हैं। Such beautiful trees, और पानी में इतनी बड़ी बड़ी fishes हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार मिलती है रेंट पे, विच इज़ 40 euros पर कार, एंड हमें इतना पता नहीं था कहाँ से मिलेगी, उन्होंने बोला था एग्जिट गेट के पास से मिलेगी, बट हम लोग इतना गए नहीं, हम लोग डायरेक्टली आ गए। हमने एंटर कर लिया है बोटिंग जोन में, इतनी सारी बोट है, अभी हमें टिकट्स कहाँ से लेनी है मैं देखती हूँ। बोट का फॉर हाफ एन आवर इट इज 16 euros, हाय वी आर 5 ऑफ अस, आई नीड वन 5, सो फॉर हाफ एन आवर इट इज 16 euros, 3/4 आवर इट इज 18 euros, यू कैन प्लीज गो फॉरवर्ड, 1 आवर इज 20 euros, बोट इज कितना क्यूट तक है, द बोट इज ओनली फॉर 4 पैक्स,
एंड वी आर 5 बट आयान इज नॉट कीपिंग वेल, तो वो बोल रहा है मैं नहीं जाता हूं. सो उसको पानी से डर लगता है. हेलो हेलो, यू हैव टू बोट. अरे इधर मत आओ, हमें टकरा जाएगी, बोर्ड में टकरा जाएगी. I'm good to your honey like I'm walking around with a smile. You got me feeling like hey ladkiya guys aap seat action jo hai board palat jayegi guys mam ab tension nahi mera bhai aa gaya board chalane ke liye ab tension nahi hai. Walking around with a smile. You got me feeling like curfew after night. Guys, please. Wait. Beep beep. Horn bajao. Beep beep. Okay. We are moving. Okay. You after night. Yeah. Tearing it up with the star. You got me. Maza aaya. Main dar gayi. मैं बोट में थी और मैं अपना फोन ढूंढ रही थी, तो मेरा फोन मैं टिकट काउंटर पे मैंने छोड़ दिया था. हम चिल्लाया नया फोन, बोलता नहीं है फोन. फिर बाद में आरुष ने बोला दीदी आपने ना पक्का काउंटर पे छोड़ा. मतलब हाँ मेरा फोन का गया, मैं लगा पानी में गिर गया. नहीं मुझे ऐसा लगा शायद मेरे जैकेट में है, बट उसमें भी नहीं था. मम्मी आपकी बेटी कितनी प्यारी है, देखो कितनी सुंदर है. पपी दो. ओके तो हम वर्साइल पैलेस को फाइनली एग्जिट कर रहे हैं. बाय बाय. पुलिस वाले अभी आए हैं और सब लोग की बाइक देखो कितनी प्यारी प्यारी है. वाह. सब पुलिस वाले रिटर्न आ गए. तो गाइस हम स्टेशन के सामने रेस्टोरेंट में कुछ खाने आ गए हैं, तो ये लोग कुछ ले रहे खाने के लिए. क्या आएगा खाने में मैं आपको बताता हूँ. तो हमारा घास फूस आ चुका है. ये मेरा है, ये आंटी का है, ये तुम्हारा. हाँ मैं पहले ट्राई करूंगी. यहाँ से खाने के बाद हम लोग ब्रिज पे जाएंगे वीडियो बनाने. तो हम लोग आ गए हैं दोबारा से पैसी ब्रिज पे वीडियो शूट करने. बहुत थक गए हैं और मुझे आगे याद ही नहीं आ रहा मुझे क्या बनाना था. यही ट्रेन से भी आए हम लोग. मुझे एक रील शूट करनी है, जो लोकेशन मुझे चाहिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है. उस दिन जो ढूंढा मिल गया था, बट अभी बहुत मुश्किल हो रहा है. देख रही ये वही है, मिल गया लोकेशन. ये वाला भी हाँ देखो ना, ये साइड यही, ये नहीं है, यही है, यही है. आया मैं का फोन मेरे पास नहीं. 2-1 स्टार्ट. देखते आ जाओ, हो गया, देख लो कंफर्म हो जाएगा. आराम से आराम से आराम से, जल्दी करना नहीं. हमने सोचा था कि आज हम घर पे खाना नहीं बनाएंगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे, बाहर से बना के खाएंगे और जो भी शूट बाकी है वो कंप्लीट करेंगे. बट हम लोग थोड़ा सा बाहर रुक गए थे शूट करने, मम्मी घर पे आ गई थी, तो सिमरन बोल रही थी मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी घर पे जाके खाना बनाना स्टार्ट कर दिया होगा. और एक्चुअल में वही, और बहुत टेस्टी बनाए. मम्मी यहाँ मानती नहीं है ना बिना खिलाए. तो आज हमारा लास्ट नाइट है यहाँ पे पेरिस में आईफिल टावर के पास. तो जो भी हमारा पेंडिंग बाकी है शूट वूट, तो हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, है ना गाइस. तो चलो वहाँ पे मिलते हैं. तो आईफिल टावर का वेट कर रहे हैं लाइट जलने का, और यहाँ पे हो रहा है मुस्कान दी का फोटो शूट. तो तैयार कर रही है उनको सिमरन दीदी. यार ये कितना सुंदर है, मुझे भी चाहिए. तो हम इंडिया में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, उनके लिए ले रहे हैं.
तो इन टोटल हमें अराउंड 7 to 8 आईफिल टावर लेने हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त हैं, तो दो साइज हैं, छोटा बड़ा वाला अच्छा लग रहा है, बड़ा वाला अच्छा लग रहा है, आई थिंक बड़ा ही लेते हैं। ओके हाय, हाउ मच इज दिस फॉर? 20 20 वेरी शाय, यू आर वेरी शाय। ओके 20 लास्ट टाइम, ओके 20 लास्ट। तो गाइस फटाफट हमको जल्दी 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 लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी गाइस जा एक्शन कर दो, जल्दी आ जाओ। ओके तो आज हमारा लास्ट डे है पेरिस में, सुबह हम जा रहे हैं इटली और लाइट भी बंद हो गई है। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो मैंने यहाँ देखा है, 9 बजे स्पार्कलिंग होता है, 10 बजे स्पार्कलिंग होता है, 11 बजे स्पार्कलिंग होता है और 11:45 को पूरा का पूरा लाइट बंद हो जाता है। ओके सॉरी, थैंक यू बोला बताने के लिए। तो ये चीज़ मुझे पता चली कि सिर्फ 3 बार ही स्पार्कल होता है, मतलब मुझे लगा चलो ज़्यादा टाइम होता होगा, तो आई थिंक मैं सिर्फ एक अंदाजे से बता रही हूँ कि स्पार्कल शायद 9 बजे 2 मिनट के लिए होता होगा, 10 बजे 3 मिनट के लिए होता होगा, लास्ट वाला 11 बजे वाला शायद 5 मिनट के लिए होता होगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा था, हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई तभी। और ये अगर नेक्स्ट टाइम इन लोगों को वीडियोज़ बनाने तो याद रखना कि बस यही टाइम पर स्पार्कल होता है। यस, तो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो। हम अभी घर जा रहे हैं, बहुत ठंडी है यहाँ पे। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।